साबित करना था कि देखो आपके देश की गाय कोई काम की नहीं है क्योंकि ये दूध नहीं है। तो डिग्रेडेशन, नंदियों को कटवाकर गायों का डिग्रेडेशन करवाना, करवाने के बाद गाय को अनुपयोगी बना देना, और इस तरह से ये कुचक्र चला और आज तक ये कुचक्र चल रहा है। फिर भी अंग्रेजों ने एक और काम किया कि हो सकता है कि भारत के लोग मातृत्व की भावना से उनको बचा लें, इसलिए उन्होंने एक दूसरी योजना शुरू की और उस योजना को सफल किया, सफल हुआ और सफल करने में सरकार को इन्वॉल्व, सरकार को लगाया, यानी सरकार का वेटरनरी डिपार्टमेंट जो पशु चिकित्सा विभाग है उस विभाग कि भारत देश की गाय दूध नहीं देती है या कम देती है, इसलिए यूरोप से गाय आ जाए और भारत में ऑस्ट्रियन फ्रीजियन क्रॉस नाम की बहुत सारी प्रजातियां आई जो मूलतः गाय नहीं है, यानी भारत के लोगों को अपने गांव की प्रजाति की गाय को खत्म कर गाय की जगह को स्थापित कर दिया। और यह काम भारत देश का पशु चिकित्सा विभाग आज भी धड़ल्ले से कर रहा है। भारत में गाय के स्थान पर जर्सी ऑस्ट्रियन फ्रीजियन का जो प्रत्यारोपण हुआ, इसमें लगभग 100% यह अपराध भारत सरकार का पशु विभाग ने किया है, पशु चिकित्सा विभाग ने। और इन्हीं सारे खड़े के कारण आज भारत देश में 2 करोड़ गाय बची। अब यहां पर एक जब भारत सरकार का प्रतिवेदन आप पढ़ोगे, हर 10 साल पर भारत सरकार जो है जनगणना करवाती है, जनगणना कराते समय सभी पशुओं का और जीवों का विवरण वो तैयार करती है। तो जब आप पिछला प्रतिवेदन पढ़ेंगे तब उसमें भारत सरकार कहती है कि भारत 14 करोड़ पशु धन है, गाय वाले से ये करते हैं, पशु धन 14 करोड़ जिसमें ऊंट है, जिसमें गाय है, जिसमें जर्सी ऑस्ट्रियन फ्रीजियन है, जिसमें बकरी है, भेड़ है, जिसमें घोड़े हैं, सब मिलाकर 14 करोड़ है। सरकार सोचो कि गाय कितनी है, सरकार नहीं बता। तो हमने अपने स्तर पर इसकी जनसंख्या करवाई तो लगभग 2 करोड़ के आसपास बैठती है पूरे देश। एक और आंकड़ा हमें समझ लेनी चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के पहले तक भारत में कितनी प्रजाति गाय हैं। तो हमारे दस्तावेज बताते हैं कि भारत में लगभग 350 प्रजाति, जिसमें 10 से 12 प्रजाति की गायें से कम हो। आपका जो राजस्थान है ये लगभग 12 से ज्यादा प्रजातियों को रखने वाला प्रदेश था, लगभग 10 से 12 प्रजाति रखने वाला प्रदेश गुजरात। जैसे पूरे भारत में गाय की प्रजातियों के अगर आप आंकड़े करो तो ये जो समझ आती है कि लगभग 350 गाय की प्रजातियां भारत में थी। अंग्रेजों काले अंग्रेजों के 70 साल में क्या विकास हुआ, यही हुआ कि 350 प्रजातियों में अब मुश्किल से 100 प्रजातियां बच गई, लगभग 250 प्रजातियों को जड़ मूल से हमने खो दिया, तो शायद एक भी ना हो। अब मुश्किल से 100 प्रजातियां बची है, 100 प्रजाति लगभग 2 करोड़ गाय बची हुई है। अगर अभी भी हम गाय को नहीं समझ पाए और इन 100 प्रजातियों को अगर हम नहीं बचा पाए तो आने वाला कैसा होगा,
पिछले 16 वर्षों में राज्यों में गाय का संबंध वायु के साथ, गाय का संबंध जल के साथ, गाय का संबंध पृथ्वी के साथ, गाय का संबंध अग्नि के साथ यानी ऊर्जा के साथ, गाय का संबंध अंतरिक्ष के साथ, ऐसे विषय पर लगभग पिछले 16 वर्षों से मैं और मेरे साथ बहुत साथ काम कर रहे हैं और कई तरह के सर्वेक्षण भी हम करते रहता है। तो इसमें से कुछ सर्वेक्षण की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस 2 करोड़ गाय को भी अगर हमने खत्म होने दिया तो 50 साल बाद का भारत, 100 साल बाद का भारत कैसा भारत होगा? कुछ भविष्य आपको मैं दिखाना चाहता हूं। भारत का तो ऐसा प्रदेश जो सबसे ज्यादा सूर्य की चपेट में रहता है, एक भूभाग है झारखंड का जो लगभग प्रतिवर्ष सूर्य की चपेट में रहता है, प्रतिवर्ष अभाव। और दूसरा महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है चंद्रपुर, चंद्रपुर भी लगभग प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में रहता है। इन 2 प्रदेशों में हमने गाय का जल के साथ संबंध के ऊपर सर्वेक्षण किया कि आज से लगभग 40 साल पहले उन क्षेत्रों में कितनी गाय और भूमि के नीचे जल की दूरी पर था, यानी जल का स्तर भूगर्भ में के आंकड़े हमने निकाले। प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, इन दोनों आंकड़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इसका ग्राफ है। तो यह ग्राफ कहता है कि पिछले 50 वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों में जिस दर से गाय की संख्या उसी दर से भूमि के नीचे जल का स्तर, जैसे आंकड़ों में अपने आप से बात करो तो झारखंड में आज से 40 साल पहले प्रति गांव 3,000 गाय, एक गांव में 10,000 गाय हुआ करती थी और उस समय उस गांव में जल का स्तर भूमि से 10 फीट नीचे हुआ। 10 फीट आपको हर साल मिलता था, 10 साल बाद की स्थिति, 20 साल बाद, और इस तरह से 2016 तक के आंकड़े जो हमने देखे, 2016 का आंकड़ा कहता है कि अब प्रति गांव मुश्किल से 3 गाय बची, जहां 3,000 प्रति गांव में हुआ करती थी, आज के गांव में गाय की संख्या 30 हो गई है घटकर और जल का स्तर 80 फीट नीचे चला गया। तो इन दोनों का ग्राफ हमने तैयार किया तो बिल्कुल रेल की पटरी सीधी ग्राफ तैयार हो गई कि प्रति वर्ष में गाय जितनी घटी उसी दर से भूमि के नीचे जल का स्तर भी गया। और ऐसा ही ग्राफ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का भी निकलता है। और अब तो कई सूखे प्रदेशों पर हमारा काम चल रहा है, तो गाय का संबंध कहीं ना कहीं भूगर्भ जल के साथ, यह जो शोध है स्पष्ट कर देता है। ये जो गाय है इसके बारे में स्पष्ट किया है हमारे लोगों ने, सौर बिल्कुल सूरज की तरह सब कुछ देने वाली गाय हमें वायु देती है, गाय हमें मिट्टी देती है, गाय हमें अग्नि देती है और गाय हमें एक वृक्ष देती है, सब कुछ देती है। गाय का संबंध इन 5 महाभूतों के साथ, तो इस बात को मैं यहीं पर अब छोड़ता हूं। जो ऐतिहासिक पटल है गाय का उसको मैं
मॉडर्न साइंस के ऊपर आता हूं, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान मदद से गाय को समझ सकते हैं। यहां पर बहुत सारी हमारे देश की बेटियां भी है मॉडर्न पढ़ रही है, तो आपसे मैं एक बात पूछता हूं, 16 वर्षों से गाय को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गाय को संपूर्ण रूप से नहीं समझा। आप एक मटके में पानी रख दो, उसमें से 2 बूंद पानी ले, गाय का विज्ञान जितना विशाल है उस मटके के 2 बूंद पानी में उस जानता को जानता हूं उससे ज्यादा नहीं जानता। 16 वर्षों में जितना मैंने गाय के विज्ञान को समझा है, बड़े घड़े के अंदर रखे हुए पानी के 2 बूंद के शब्द उससे ज्यादा मैंने गाय को नहीं समझाया। उस 2 बूंद जो समझ है गाय की, उस समझ के आधार पर मैं कहता हूं कि अगर मैं कभी भी गाय को काउड नहीं कहना, सुनो ये बात आप लोगों को कह रहा हूं। हाँ देखो
लेकिन आप जब युवा होंगे तब आपको वायु खरीद कर लेना पड़ेगा, श्वास लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए आपको समझना जरूरी है। 2030 के बाद का भारत ऐसा भारत होने वाला है जब आप दुकानों में सब्जी खरीदने के लिए जब जाओगे तो साथ में ऑक्सीजन की सिलेंडर खरीद कर लाना पड़ेगा। यह 2030 का भारत होने वाला है। इसलिए आज युवा बच्चों को यह समझना जरूरी है कि यह देश कहां जा रहा है। अभी तो केवल पानी खरीद कर पीने की जरूरत पड़ी है, 20 साल जब झोले में सब्जी के साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लानी पड़ेगी। इसलिए युवा पीढ़ियों को ज्यादा समझना है इस विषय को, ऐसी नौबत ना आ जाए। तो गाय को आप चाहो तो विज्ञान के हिसाब से ही समझ सकते हो। देखो मैं लगभग 25 साल मॉडर्न साइंस में निपट, जो मॉडर्न साइंस आप लोग पढ़ रहे हो इसको मैंने 25 साल पढ़ा है, और 25 साल का तजुर्बा है उस मॉडर्न साइंस को समझने का मुझे, और उस तजुर्बे के आधार पर मैं पिछले 2 साल से दुनिया के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों से 5 सवाल कर रहा हूं। जो वैज्ञानिकों का साइंटिस्ट का टॉप लेवल है उनसे मैं 5 सवाल कर रहा हूं कि 5 सवाल का जवाब दे दो, कोई जवाब मुझे नहीं दे पा रहा है। मैं उनसे सवाल यही कर रहा हूं कि मिट्टी मतलब हर चीज की व्याख्या करते हो, हर चीज का डिफिनेशन करते हो, हर चीज को डिफाइन करते हो आप, तो आप मिट्टी को डिफाइन कर दो कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी का मतलब क्या होता है। 2 साल से मैं ये सवाल कर रहा हूं, मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा। दूसरा सवाल मैं इसे कर रहा हूं कि शुद्ध जल का मतलब क्या है, पानी को डिफाइन करो, पानी क्या है, कोई उत्तर नहीं। तीसरा सवाल मैं इनसे कर रहा हूं कि वायु क्या है, एयर को डिफाइन करो, एयर क्या है, एयर मतलब क्या, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। चौथा सवाल मैं इनसे कर रहा हूं कि फायर क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि को डिफाइन करो आप, शुद्ध अग्नि का मतलब क्या है, कोई उत्तर नहीं। और आकाश जब पूछता हूं कि शुद्ध आकाश का मतलब क्या होता है, तब तो इनकी समझ से बाहर जाता है। अनंत है, ये तो कोई डिफिनेशन नहीं हुआ, ये तो कोई परिभाषा नहीं हुआ। 5 सवाल मैं पिछले 2 साल से विश्व के उच्च कोटि के साइंटिस्ट से कर रहा हूं कि आप कह रहे हो कि मॉडर्न साइंस विकास कर रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, सुविधाएं खड़ी कर रहा है, तो ये 5 चीजों को आप डिफाइन करके बता दो क्या है। उत्तर नहीं, कैसा साइंस है जो जल को डिफाइन नहीं कर सकता, जल क्या है इसका परिभाषा नहीं दे सकता, मिट्टी क्या है इसको परिभाषित नहीं कर सकता, अग्नि क्या है इसको परिभाषित नहीं कर सकता, कैसा मॉडर्न साइंस है, कौन सी विकास की बात हम कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है कि जल भगवान का दिया हुआ धरती का पानी, भगवान की वर्षा करते हैं तो पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं कुछ मांगते क्या, भगवान का दिया हुआ फ्री का पानी तुम बोतल में बंद करके बेच रहे हो, एक बार उसको डिफाइन तो करो कि पानी मतलब क्या, कोई उत्तर नहीं मिलता मुझसे। ये सवाल आप भी करना, मैं इसलिए आपको संबोधित कर रहा हूं क्योंकि आपको अपने जीवन में 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन 5 के अलावा अगर कुछ ना मिले तब भी जीवन चलेगा, लेकिन अगर ये 5 में कोई एक भी ना मिला तो जीवन नहीं चलने वाला। ये 5 जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं, मिट्टी के बिना हम जी नहीं सकते, वायु के बिना 1 मिनट भी जीना मुश्किल,
में है, और जल के बिना 3-4 दिन से ज्यादा जीना मुश्किल है, और अग्नि के बिना कुछ नहीं हो सकता, भोजन भी नहीं पक सकता, हमारा शरीर भी नहीं रह सकता। शरीर भी गर्म होता है शरीर में, तो अग्नि के बिना शरीर भी नहीं रह सकता। आप कहीं भी चले जाओ, सर के ऊपर आकाश तो रहेगा। तो ये 5 जीवन में ऐसी चीज देखो, वस्त्र ना मिले हम जी सकते हैं, है कि नहीं? घर ना मिले तब भी हम जी सकते हैं। अगर कृषि का काम ना हो, खेती का, तब भी जी सकते हैं। लेकिन इस 5 में से एक को भी हटा दो तो जीवन नहीं चलने वाला। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही 5 है। तो ये 5 तो पढ़ाई जानी चाहिए। जिस 5 के आधार पर जीवन चलता है उसको तो शिक्षा में रखनी चाहिए। मास्टर जी को, गुरु जी को, स्कूल में बच्चों को सबसे पहले यही पढ़ाई जानी चाहिए कि पानी मतलब क्या, मिट्टी मतलब क्या, अग्नि मतलब क्या, वायु मतलब क्या, आकाश मतलब क्या। और अगर 25-30 साल तक पढ़ने के बाद भी अगर इन 5 मौलिक प्रश्नों का उत्तर ना मिले, तब इस पढ़ाई कौन सी काम। 25 साल मैंने अपने जीवन का बेकार किया पढ़ाई पढ़ कर। अब मुझे अफसोस होता है कि जिस काम को मैंने 16 साल पहले शुरू किया है, अगर ये मैं स्कूल जाने के बदले अगर काम शुरू किया रहता तो आज बहुत कुछ कर पाता। 25 साल में स्कूल में मैंने जितना कुछ पढ़ा उसका मुश्किल से 2% भी मुझे काम में नहीं आता। 25 सालों में मुझे कुछ नहीं सिखाया गया कि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश क्या है जिसके ऊपर जीवन निर्भर है। लेकिन जब गाय के शागिर्द में गाय के साथ जब जीवन जीना शुरू किया, गाय के साथ जब हमारा संबंध बना, तो गाय ने मुझे बता दिया, समझा दिया कि जल मतलब क्या, मिट्टी मतलब क्या, अग्नि मतलब क्या, वायु मतलब क्या, और आकाश मतलब क्या। पता नहीं मेरे जैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मॉडर्न साइंस की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है कि ये 5 क्या है। लेकिन गाय के सानिध्य में आते हुए गाय ने यह ज्ञान दे दिया कि ये 5 क्या है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कम से कम आप आज की युवा पीढ़ी को जाननी चाहिए कि शुद्ध मिट्टी का मतलब क्या होता है, शुद्ध जल का मतलब क्या होता है, शुद्ध अग्नि का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन 5 से ही शरीर चलता है। क्षितिजल पावक गगन शरीर पंच रत्न बना शरीर, यह जो शरीर है इन्हीं 5 रत्न रूपी यौगिक तत्वों से बना है, कंपाउंड एलिमेंट से बना है। यौगिक तत्व जानते हो, ऑक्सीजन पढ़ा है आपने स्कूल में, मास्टर जी ऑक्सीजन पढ़ाते हैं ना। हाँ, ऑक्सीजन एक तत्व है और हाइड्रोजन भी एक तत्व है, पढ़ा होगा। दोनों को मिला दो तो इसको बोलते हैं यौगिक तत्व, कंपाउंड एलिमेंट। कंपाउंड एलिमेंट को हमारे पुराने शास्त्र महाभूत कहते हैं। महाभूत मतलब कंपाउंड एलिमेंट, यौगिक तत्व जो कई तत्वों के मेल से बनते हैं, ये सारे यौगिक तत्व होते हैं। तो क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर, पंच रत्न बना शरीर, यह जो 5 रत्न रूपी यौगिक तत्व है इन्हीं से यह शरीर बना है। तो शरीर जिन तत्वों से बना है, इन तत्वों को अगर हम मॉडर्न साइंस में सीख नहीं पाते तो मॉडर्न साइंस किस काम में। मुझे तो मेरे जीवन में कोई काम में नहीं आया। जिन चीजों को मैंने 25 साल तक स्कूल और कॉलेज में जाकर नहीं सीख पाया, गाय के सानिध्य में कुछ दिनों में ही गाय ने मुझे सिखा दिया। तो मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ चीजों को आपको भी बताऊं। शुद्ध मिट्टी का अर्थ होता है हम तैयार नहीं जब तक से प्रमाण ना हो। तो गाय के गोबर का रासायनिक
विश्लेषण हमने करके देखा। एक बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उस मशीन में किसी भी वस्तु को डाल दो तो वहां पर बम्बार्डमेंट होकर के टूट जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, और फिर एक एक मॉलिक्यूल्स की जांच हो जाती है। ऐसे बड़े बड़े मशीन होते हैं। उस मशीन में जब गाय के गोबर को डाला, गाय के गोबर के मॉलिक्यूल्स जब टूटे और जब मिट्टी को डाला, अलग अलग क्षेत्र के मिट्टी को डाला और उसे तोड़ करके देखा तो दोनों बिल्कुल बराबर। यानी आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में शुद्ध मिट्टी का मतलब गाय का गोबर। गाय का गोबर जिसको गोमय शास्त्रों में गोबर कहते हैं, यह सृष्टि की शुद्ध मिट्टी है, प्योर सॉइल। हमारे शरीर में क्या है? मिट्टी है। हमारा शरीर भी पांच चीजों से बना हुआ है। क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो हमारे शरीर में मिट्टी है। कितना मिट्टी है? तो 22% हमारे शरीर में मिट्टी है। कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है और उसका दाह संस्कार कर दो, तो दाह संस्कार करने के बाद उसका जो राख बचता है उसका वजन करके देखोगे आप, तो मनुष्य जो व्यक्ति मरा है उसके शरीर का जितना वजन है उसका 22% राख होता है, यानी मिट्टी तत्व। तो मनुष्य के शरीर में 22% भूमि तत्व है, मिट्टी है। तो हमारे शरीर में जब कभी भी मिट्टी खराब हो जाती है तो मिट्टी के खराब होने की बीमारियां होती है। तो कुछ बीमारियों के नाम भी आपको मैं गिना सकता हूं। जैसे हमारे शरीर में जब मिट्टी तत्व खराब हो जाती है किसी कारण से, तो रीढ़ की हड्डियों की समस्या होती है, जंघा की समस्या होती है, पांव की समस्या होती है, गर्दन की समस्या होती है। ये सारे जो अंग हैं हमारे शरीर में, यहाँ पर मिट्टी की प्रधानता होती है। तो जब हमारे शरीर की मिट्टी के लिए विकृत होती है तो शरीर के इन हिस्सों में समस्याएं शुरू हो जाती है। तो जिस चीज की कमी के कारण शरीर में समस्या हुई है उस वस्तु को शरीर में डाल दो, समस्या का समाधान हो गया। आप जब कभी बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते होगे तो डॉक्टर आपको कहता होगा कैल्शियम की कमी हो गई, कहता है बच्चों को नहीं बड़े लोगों को कहता है। बड़े लोगों के जब घुटने खराब होने लगते हैं ना तो डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई, कैल्शियम खाओ, तो कैल्शियम की बड़ी बड़ी गोली ले लेकर ये खाओ है। तो कैल्शियम की कमी आई तो कैल्शियम खाना पड़ता है। तो शरीर में जब मिट्टी की कमी आ गई तो मिट्टी खाना पड़ेगा। तो शरीर में जब मिट्टी की कमी आती तो क्या होगा? यहां से लेकर के हम तलवे तक के रोग होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये शरीर में भूमि की प्रधानता वाला क्षेत्र है, ऐसा हमारा पौराणिक आयुर्वेद कहता है। तो जब कभी ऐसी कोई बीमारी हो, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी हो, रीढ़ की हड्डियों का हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, है ना, पिंडलियों ये तलवे का दर्द हो, यहां पर जलन हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप समझ जाओ कि आपके शरीर में मिट्टी तत्व में खराबी आ गई, मिट्टी तत्व में कमी आ गई, या मिट्टी तत्व बढ़ गया, या उसका दूसरे के साथ संबंध खराब हो गया, संतुलन बिगड़ गया। तो औषधि क्या है? शुद्ध मिट्टी। अब मॉडर्न साइंस को पता ही नहीं है कि शुद्ध मिट्टी मतलब क्या। आज आप यहां की मिट्टी ले लो, जैसलमेर की मिट्टी ले लो, बीकानेर की मिट्टी ले लो, जयपुर की मिट्टी ले लो, और केमिकल एनालिसिस करो तो सारे अलग अलग आए। अब हम कैसे कहें कि कहां की मिट्टी शुद्ध है? आप इस खेत की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस करो और बगल की खेत की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस करो, अलग, ये भी अलग वो भी अलग। इसी कारण से मिट्टी की परिभाषा आज तक तय नहीं हो पाई। तो अब शरीर में मिट्टी तत्व की जरूरत है तो शुद्ध मिट्टी कहां से लाए? इसका उत्तर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में इसका उत्तर है। शुद्ध मिट्टी का मतलब गाय का गोबर। गाय का गोबर शुद्ध मिट्टी है, प्योर सॉइल है।
तो जब ये बात मुझे गाय ने सिखा दी कि शुद्ध मिट्टी मैं देती हूं गोबर के रूप में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को मैंने पकड़ा जिन मरीजों के शरीर में सॉइल डिफिशियंसी थी, यानी मिट्टी तत्व की कमी थी, और उनको गोबर खिलाया, उनको नहीं पता है कि ये गोबर है, लेकिन कहा ये औषधि है जी खा लो। और उसके जब परिणाम देखे तो अद्भुत परिणाम है। यानी हमारे शास्त्र बिल्कुल सच कहते हैं कि गाय का गोबर शुद्ध मिट्टी है। तो फिर मेरा विचार हुआ कि इसका केमिकल एनालिसिस किया जाए, इसको केमिकल एनालिसिस करके रासायनिक विश्लेषण करके देखा जाए, क्योंकि मॉडर्न साइंस बिना रासायनिक विश्लेषण के नहीं मानता। तो अलग अलग जगह के क्षेत्रों की मिट्टी का और अलग अलग प्रदेश की गाय के गोबर का केमिकल एनालिसिस हमने करके देखा। हमारे यहाँ तमिलनाडु की गाय अलग तरह की घास खाती है, आपके यहाँ लाठी की गाय अलग तरह की घास खाती है, जयपुर की गाय अलग तरह की घास खाती है, दिल्ली की गाय अलग तरह की चारा भूसा खाती है, लेकिन जब इन सभी गायों का गोबर जब आता है तो सारे गोबर को केमिकल एनालिसिस करके देखो आप, तो ये बिल्कुल एक होता है, कोई अंतर नहीं होता। यानी गाय के शरीर में कुछ भी डालो वो बचा तो निकलेगा शुद्ध मिट्टी के रूप। आज तो दुनिया में ऐसी फैक्ट्री तो मैंने नहीं देखी अपने जीवन में कि डालो कुछ भी निकलेगा एक ही। धान का भूसा डाल दो, गेहूं का भूसा डाल दो, चने का भूसा डाल दो, हरा चारा डाल दो, सूखा चारा डाल दो, कुछ भी डाल दो, जब निकलेगा तो वो शुद्ध मिट्टी में कन्वर्ट होकर के निकलेगा, निकलेगा। इतनी अद्भुत, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर मैं उसी दिन से लोगों को मैंने कहना शुरू किया कि देखो जब तक आपको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो जाए, हड्डियों की समस्या हो जाए, और ये तलवे की हड्डी बढ़ने की समस्या हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए, घुटने का हो जाए, तो गोबर खाओ। तो लोगों का गोबर कैसे खा सकते गोबर, ये कोई गोबर खाने की चीज है। फिर कुछ मेरे डॉक्टर मित्र हैं, उनको मैंने कहा जी गोबर खाने से ठीक होगा, बोले अच्छी गोबर संडास खाओगे, संडास पिलाओगे आप। अगर संडास इतना अच्छा ही होता तो गाय अपने पेट में रख लेती ना, बाहर क्यों नहीं खाती। तो मुझे लगा बात तो सही है कि जब गाय का गोबर औषधि है तो देती क्यों है। तो मैंने एक चीज ढूंढना शुरू किया कि संडास का मतलब क्या, संडास का मतलब क्या, इसको ढूंढना शुरू किया। तो संडास का डेफिनेशन मुझे मिल गया, परिभाषा। संडास का मतलब कि हम कुछ भी खाएं उसमें जितना न्यूट्रिशन है, जितना प्रोटीन है, उसको शरीर सोख ले, और जो बच गया सिर्फ वो संडास हो जाता है। यानी अगर हम दिन भर में एक कैलोरी ऊर्जा का चीज खाएं और वो हमारे शरीर में पच जाए, तो एक कैलोरी में 80-85 कैलोरी शरीर सोख ले, और सोखने के बाद उसका जो भौतिक रूप है, फिजिकल पार्ट है, वो संडास के रूप में बाहर निकल जाए। यानी इनपुट अगर 100 यूनिट है तो आउटपुट 1 या 2 यूनिट निकलेगा, और शेष 98-97 यूनिट शरीर सोख लेगा। ये संडास की परिभाषा है, ये मॉडर्न साइंस से मुझे मिला। मॉडर्न साइंस यही कहता है संडास मतलब क्या, न्यूट्रिशन सोखने के बाद बचा हुआ हिस्सा संडास। तो डॉक्टर के कहने के आधार पर मैं गाय के संडास की जांच की, यानी गोमय की जांच की। उनकी भाषा में वो संडास था, हमारे वेदों की भाषा में वो गोमय था। तो इसकी जांच की, एक गाय को हमने क्या किया कि 24 घंटे तक जितना कुछ खिलाया उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने चेक करना शुरू किया। धान की भूसा उसको 10 किलो खिलाया तो 10 किलो धान के भूसा में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल्स है, कितना कार्बोहाइड्रेट, सारा कुछ गणित उसका निकाल कर। और जब वो पच करके गोबर के माध्यम से निकल गया तो गोबर की जांच हमने की, तो देखा कि यहाँ पर 10 यूनिट हमने दिया था चारा के रूप में गाय को, और वो जब निकल करके आया तो 1000 यूनिट हो गया। तो मैंने ये दोनों रिपोर्ट भी डॉक्टरों को रखी कि संडास का जो आपने डिफिनेशन दिया था कि इनपुट से आउटपुट कम होगा, इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम है तो मतलब संडास। तो मैंने कहा देखो
गाय तो इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, तो आप संडास कैसे कहोगे बताओ? तो ले टेक्निकली तो विज्ञान के हिसाब से संडास तो नहीं हुआ, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, तो डॉक्टर मानने को तैयार। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया, विचार ये आया मेरे मन में कि लोग सीधे गाय के गोबर को नहीं खा सकते, गोमय को सीधे नहीं खा सकते, तो गोमय से औषधियां बनाई जा सकती है। तो फिर गोमय से हमने औषधियां बनानी शुरू की और उस पर एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया लंबा कार्य हुआ, और होने के बाद अब गोबर से जो बनी हुई औषधियां हैं ये बहुत सारी बीमारियों के लिए अद्भुत तरीके से काम करती है, अद्भुत तरीके से काम करती है। उसमें से एक विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा जो कल के भारत के लिए संकट है। देखो कल के भारत के लिए जो संकट है, इस विषय पर बात करूंगा, और ऐसे ऐसे लगभग 22 विषय गोबर से निकल करके आते हैं। इन 22 विषयों में एक विषय और खास करके आप लोगों के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों की आयु 40-50 हो गई है, 30 हो गई है, उनको तो ऑक्सीजन खरीद के पीना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन खरीद के पीना पड़ेगा। तो आप तो समझ लो ये जो एनालिसिस हमने करवाया इसमें से एक बड़ी अद्भुत चीज निकल कर गया है। ऐसे ऐसे 22 अद्भुत चीजें निकल कर गया है, केवल एक पर मैं आपसे बात करूंगा आज, तो आज 2 ही घंटा समय है हमारे पास। तो वो निकल के ये आया कि गाय के गोबर में वायुमंडल से ज्यादा ऑक्सीजन है। वायुमंडल में अधिक से अधिक कितना ऑक्सीजन होता है बताओ? कितना होता है? 21% अधिक से अधिक। आप एकदम हिमालय की तराई में चले जाओ जहां पर पॉल्यूशन कम है, वहां पर भी आपको 18-19% से ज्यादा मिले। आपके यहाँ जैसलमेर जिला में हो सकता है 19% के आसपास हो, 19-20% के आसपास हो, क्योंकि यहाँ पर गाय बहुत है। लेकिन यही आप जयपुर चले जाओ अपनी राजधानी में, वहां आपको 15-16% से ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन। आप दिल्ली चले जाओ, वहां की बहुत बुरी स्थिति है, 11-12% ऑक्सीजन। और दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी में 9% ऑक्सीजन है, वो है चीन की राजधानी संघाई, 9% ऑक्सीजन। कुछ समय दिल्ली में भी 9% ऑक्सीजन का घनत्व रहता है। अब हमारा जो शरीर है भगवान का बनाया हुआ, वो कितना ऑक्सीजन में चलने वाला है? 21% ऑक्सीजन में चलने वाला है। हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास में कम से कम 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, तो हमारा शरीर ठीक ठीक चलेगा, क्योंकि भगवान ने इस शरीर की डिजाइन इसी तरीके से की है कि श्वास के माध्यम से हमें 21% ऑक्सीजन मिलना चाहिए। लेकिन हमारी अपनी गलतियों के कारण अब वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हुआ, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो गया, और कम होते होते आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत में कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां 15% ऑक्सीजन है, कोई शहर नहीं ऐसा है, सभी में 15% से नीचे का दर आ गया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी अब पूरे भारत के लोगों को होने लगी है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे पहला जो रोग होता है उस रोग का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी नाम सुनो, टीबी जानते हो? ये टीबी नाम की जो बीमारी है वो इसी के कारण होती है। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन अगर ना मिले तो टीबी की बीमारी होती है। और भारत में कितने लोगों को टीबी की बीमारी है पता है? भारत में प्रत्येक 100 व्यक्ति में 80 व्यक्ति को टीबी है। हाँ, यहां पर बैठे हुए जितने लोग हो ना, इसमें से लगभग 20% लोगों को टीबी है। उसको बोलते हैं माइल्ड टीबी। हाँ, मतलब आपको कोई ज्यादा तंग नहीं करेगा, ऐसी टीबी। क्रॉनिक टीबी भी बहुत लोगों को है। क्रॉनिक टीबी की भी जो जनसंख्या भारत में लगभग 4% लोगों को क्रॉनिक टीबी है, मतलब अगर जांच करा दो तो
जांच रिपोर्ट में आ जाएगा कि टीबी है। 100 में 4 व्यक्ति ऐसे और 100 में लगभग लगभग 75 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको माइल्ड टीबी है, मतलब हल्का टीबी है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी का मूल कारण है कि वायु में ऑक्सीजन का कम हो जाना। तो ये दर प्रति वर्ष घटते जा रहा है ऑक्सीजन, जैसे जैसे हम विकास कहते हैं, विकास कर रहे हैं, वास्तव में विकास नहीं विनाश है वो। तो जैसे जैसे हम विनाश की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वायुमंडल में से ऑक्सीजन कमते जा रहा है और कमते कमते जिस दिन भारत में ऑक्सीजन 9% से नीचे गिर जाएगा, उस दिन ऑक्सीजन के मास्क लगाने पड़ेंगे। संघाई की स्थिति ऐसी ही हो गई है, वहां सामान्य दिनों में 9% से नीचे ऑक्सीजन होता है, इसलिए संघाई के बाजार में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकने शुरू हो गए। दिल्ली में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकने शुरू हो गए। आपके जैसलमेर तक आते आते शायद 15-20 साल और लगेगा। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है और कितना महंगा है ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो एक ही लाइन में आपको बताता हूं कितना महंगा है। एक बार अगर आप संघाई में श्वास लेते हो तो उसकी कीमत 253 रुपया देने पड़ते हैं। 253 रुपीज एक बार श्वास लेने की कीमत। सिलेंडर अगर लगा लो मुंह में ऑक्सीजन का, तो एक बार श्वास लेने की कीमत 253 रुपये होती है। सिद्धांत है,
एक किलो की कोई भी वस्तु को प्रोसेस करोगे तो उसमें कुछ नुकसान हो जाएगा, रूप परिवर्तन करती है, लेकिन गाय कभी भी प्रोसेस लॉस नहीं करती। हाँ, वो 21% से कम ऑक्सीजन लेती है और गोबर में 21% से ज्यादा ऑक्सीजन देती है, तो कच्चा गोबर में 23% ऑक्सीजन। अब इस गोबर को आप धूप में रख दो, सूख गया, अब ऑक्सीजन कमना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब सूखे हुए गोबर का जब आप रासायनिक विश्लेषण करोगे तो ऑक्सीजन 30% होता है उसमें। हाँ, थाप के कंडा बनाते हैं कच्चा गोबर में 23%, और उसी गोबर को धूप में सुखा दो तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है 30%, और उस कंडे को आप चूल्हे में जला दो तो चूल्हे में जलने के बाद क्या बचता है? राख। राख ही बोलते ना हैं? राख में पता है कितना ऑक्सीजन है? 46.6%, 46.6%, 46.6% दुनिया में कहीं ऑक्सीजन नहीं, केवल गाय के गोबर में इतना ऑक्सीजन है। अब इसका प्रमाण अगर देखना है तो प्रमाण हमारे पास है, लेबोरेटरी की रिपोर्ट हमारे पास है, भारत सरकार की लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। मेरे घर की रिपोर्ट पर तो भरोसा ना हो तो हमने सरकार से इसकी जांच करवा ली, तो सरकार के लैब की रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहता है कि गाय का कच्चा गोबर 23% ऑक्सीजन रखता है, सुखा के कंडा बना दो 30% हो जाता है, कंडे को जला के राख बना दो 46% होता है, और राख को फिर एक बार जला दो तो 60% हो जाता है। तो गाय कितनी है? तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसे मरीज पकड़े जिनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी थी, तो उनको रात पानी में घोल घोल करके पिलाना शुरू किया तो उनके शरीर में भरपूर ऑक्सीजन। तो चिकित्सा के दृष्टि से भी ये प्रमाणित हो गया कि गाय के गोबर का रात भरपूर ऑक्सीजन रखने वाला है। तो आपको एक थोड़ी सी ऐतिहासिक घटना बता, शिव जी को देखा है शिव जी को कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? पूरे शरीर में राख लगा हुआ रहता है ना? और रहते कहाँ हैं? उनका घर कहाँ था? कहाँ? किस पहाड़ पे? हिमालय पर, कैलाश पर्वत। सुना है ना? हिमालय में कैलाश पर्वत है जहां उनका घर था, और कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन नहीं है। आज कैलाश पर्वत पर जो लोग जाते हैं ना तो पीठ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के मास्क लगा के जाते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन बहुत कम है। अब बताओ शिव जी को क्या गरज पड़ी ऐसा जगह घर बनाने का जहां ऑक्सीजन ही ना हो? सोचने वाली बात है कि नहीं है? इतना बड़ा दुनिया, इतने जंगल पहाड़, इतनी वनस्पतियां, सब छोड़ के घर कहां बनाया जहां ऑक्सीजन नहीं है? तो बिना ऑक्सीजन के शिव जी रहते कैसे थे? बगल में नंदी को रखते थे तो नंदी गोबर देता था, गोबर क्या है? ऑक्सीजन। जलाया और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लगा। तो शिव जी बड़े वैज्ञानिक थे ना, ऑक्सीजन की समझ थी ना। कल के भारत में हर व्यक्ति को भस्म लगाना पड़ेगा शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोई रास्ता नहीं है, ऑक्सीजन लगाना भी पड़ेगा, ऑक्सीजन खाना भी पड़ेगा। तो गोबर खा सकते हो? नहीं, राख नहीं खा सकते? खा सकते ना। तो खाने का देखो बड़ा विशुद्ध तरीका हमारे भारत देश में पहले था, राख को पानी में घोल दो तो राख का ऑक्सीजन पानी में घुल जाएगा और थोड़ी देर में राख नीचे बैठ जाएगा। अब ऊपर का पानी पी लो, ऑक्सीजन चला जाएगा।
तो ऐसा प्रयोग हमने मरीजों के ऊपर करके देखा तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। जैसे कैंसर की बीमारी अगर किसी को हो गई और अगर उसकी औषधि चल रही है तो औषधि से 6 महीने में अगर कैंसर ठीक होता है और अगर साथ में उसको औषधि के साथ तुमने भस्मीकरण पिला दिया तो कैंसर 3 ही महीने में ठीक हो जाता है। इतना अद्भुत परिणाम ये गाय के गोबर का। बुखार सभी को लगता है, आप लोगों को भी कभी कभी बुखार लगा होगा, तो जब कभी बुखार लगे तो एक प्रयोग करो, खाना बंद करो, हाँ खाना मत खाओ और केवल गाय के गोबर के भस्म का पानी पी करके रखो। कैसा भी विषम ज्वर हो, कैसा भी बुखार हो, उसको शरीर छोड़कर भागना पड़ेगा। ये तो करके देख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, हाँ लेकिन गाय के गोबर के भस्म में ऐसा है। गाय की तरह दिखने वाली जो दूसरी जीव है, जर्सियन, ऑस्ट्रियन, फ्रीजियन और भैंस, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जब कभी आपको ऐसा करना पड़े तो आप भारतीय नस्ल की गाय के गोबर का करना, तो शुद्ध गोबर की पहचान किया वो आपको सिखा देगा। जब गैया गोबर देती है तब आप हथेली, बाएं हथेली पर गोबर को ऐसे ले लो और दाहिने में पलट दो। अगर इस बाएं हाथ में गोबर ना चिपके तो समझ जाओ कि भारतीय नस्ल की गाय का गोबर है, और अगर चिपक गया तो या तो वो भारतीय नस्ल की गाय नहीं है या है तब वह गाय बीमार है। अगर गाय बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, तो कभी भी हाथ में गोबर चिपकता नहीं। गोबर हथेली में लो, दूसरे हथेली में पलटो, हाथ देखो बिल्कुल कभी नहीं चिपकता। तो ऐसा गोबर में 23% चाहो तो सीधे खा लो, कोई संकट नहीं, चाहो तो सुखा के कंडा बना लो और कंडे को कूट करके चूरन बना के खा लो, कोई संकट नहीं। उससे भी ना मनमाने तो जला के राख कर दो और राख को घोल के पी लो, ना मनमाने तो राख नीचे बैठ जाए, ऊपर का पानी पी लो। कितना सरल है, कितनी सरल है गाय, इससे कुछ सरल हो सकता है? तो अब मैं पूरे भारत के लोगों को कहना शुरू किया है हमने कि आपको ऑक्सीजन की अगर कमी है तो गाय आपके पास है। गाय दूध दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑक्सीजन को देगी। गाय दूध दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूध उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ऑक्सीजन है। और गाय अगर बुद्धि भी हो गई तब भी वो ऑक्सीजन तो देगी, तो कम से कम गाय को ऑक्सीजन के लिए तो अपने घर में रखो। रखोगे? सच में रखोगे? तो देखो इतनी अद्भुत है हमारी गाय। इसीलिए हमारे ऋग्वेद में एक शब्द है, गोमय वशती लक्ष्मी गौमूत्र धनवंतरी। गोमय वशती लक्ष्मी यानी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो लक्ष्मी मतलब क्या, क्या होता है लक्ष्मी मतलब? रुपया, पैसा, ये लक्ष्मी है ना। तो आज अगर गाय के गोबर में से ऑक्सीजन निकाल के बेचना शुरू कर दो तो पैसा नहीं आएगा क्या? एक लीटर ऑक्सीजन का कीमत 3,500 रुपया है। कितना? 3,500। हाँ, आज भारत दुनिया के बाजार में 3,500 रुपए लीटर पीने वाला ऑक्सीजन बिकता है। तो एक लीटर ऑक्सीजन बनाने में कितना गोबर लगता है करीब बैठा? एक गाय कम से कम 10 किलो गोबर देती है, और उस 10 किलो गोबर में सुखा दो तो लगभग 3 किलो कंडा बनता है, और 3 किलो कंडे को जला दो तो लगभग 750 ग्राम राख बचता है। 750 से 800 ग्राम राख बचेगा, उस 800 ग्राम राख में लगभग 46% ऑक्सीजन है, 40% ही मान लो आप, 40% ऑक्सीजन है।
तो 800 ग्राम का 40% कितना हुआ? 320 ग्राम। एक लीटर ऑक्सीजन का कीमत 3000, तो 300 ml का कितना हुआ? एक तिहाई, यानी 1000 रुपए। तो गाय का गोबर अगर हम ऑक्सीजन के बदल के बाजार में देते हैं, तो गाय गोबर के माध्यम से प्रतिदिन 1000 रुपया देती है। महीने में कितना होता है? 30 दिन। तो गाय 30000 रुपए तो गोबर से दे रही, तो गो में बसती लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास नहीं है क्या? गोबर में पैसे का वास नहीं है क्या? है ना। और जिस दिन पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का सिलेंडर फिटने लग जाएगा, उस दिन गोबर की मार हो जाएगी। लोग गाय के पीछे भागेंगे कि कब गोबर दे और कब लेकर के मैं भागूं। ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन केवल गाय दे सकती है। जो सिलेंडरों में ऑक्सीजन बिक रहा है वो रासायनिक ऑक्सीजन है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप गाय को समझो, क्योंकि आपके जीवन में ऑक्सीजन खरीद करके पीने का समय आने वाला है। तो हमें ऑक्सीजन कम से कम पैसे में कैसे मिले, इसका विज्ञान आपको जानना जरूरी है। वो केवल गाय ही दे सकती है। हमारे ऋषियों ने बड़ी चतुरता के साथ लिखा था, गोमेवस्ति लक्ष्मी, ऑक्सीजन के बिना एक मिनट जिंदगी नहीं चल सकती। पानी ना मिले एक हफ्ते तक जी लोगे, 10 दिन तक जी लोगे। भोजन ना मिले 6 महीने जी लोगे। ऑक्सीजन ना मिले एक मिनट नहीं जी सकते। तो सबसे महंगी वस्तु दुनिया में कौन है? ऑक्सीजन। तो महंगी वस्तु ही तो लक्ष्मी होती है। तो शास्त्रियों जी की तो कहा गो में वस्ती लक्ष्मी। आगे कौन समझ में? तो गाय हमें गोबर देती है, ये मुख्य विषय है। गाय दूध देती है, ये मुख्य विषय नहीं है। अब मैं थोड़ी दूसरी बात करता हूं गोमूत्र पर, कि गोमूत्र क्या है। गोमूत्र के बारे में शास्त्र क्या कहता है? गोमूत्र धनवंतरी। धनवंतरी जी को जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते धनवंतरी को? चलो, इनको जानना जरूरी है। इसलिए इनको बताना पड़ेगा कि धनवंतरी मतलब कौन। ये पूरी दुनिया को बनाने वाले कौन? ब्रह्मा। सुने हो ना शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि को बचाने का विज्ञान भी ब्रह्मा जी ने दिया। तो सबसे पहले विज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिया। उनका पुत्र कौन था? दक्ष प्रजापति। नाम सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का अद्भुत ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति को किस लिए दिया? लोगों के कल्याण के लिए दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति ने लोगों का कल्याण ना किया, लोगों के कल्याण में इस ज्ञान को ना लगाया। वह ज्ञान उनसे दो जुड़वे बच्चों को मिला। उनका नाम था अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार दो बच्चे थे जुड़वे थे, उनको दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान दिया। उनके समय में एक ऋषि थे, उन ऋषि का आंख दुर्घटना में फूट गई थी, आंख फूट गया, अंधे हो गए। तो अश्विनी कुमार ने ब्रह्मा के दिए हुए उस ज्ञान से कृत्रिम आंख बना करके लगा दिया और उनको दृष्टि आ गई। उसी समय एक रानी थी जिसका दुर्घटना में पांव कट गया था, वो लंगड़ी हो गई थी। तो अश्विनी कुमार ने कृत्रिम पांव बना करके लगा के ठीक कर दिया। इतना अद्भुत ज्ञान। आज से 23 लाख साल पहले के भारत को कृत्रिम अंग बनाना आता था। आज से 23 लाख पहले के भारत को कृत्रिम नेत्र बनाना आता था। ये दस्तावेज है। अश्विनी कुमारों के जीवन को पढ़ो। अश्विनी कुमारों ने दो अद्भुत कार्य किए, इससे इंद्र प्रसन्न हो गया और उसने अश्विनी कुमारों को कहा कि ये ज्ञान मुझे दे दो। तो अश्विनी कुमारों ने इंद्र को सिखा दिया ये ज्ञान। तो इंद्र ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, ये ज्ञान तो जन कल्याण के लिए होना चाहिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए होना चाहिए।
इसलिए इंद्र कुमार ने एक ऋषि को सिखाया, उस ऋषि का नाम था आत्रेय ऋषि। आत्रेय ऋषि के पास जब ये ज्ञान गया तो आत्रेय ने कहा कि इसको तो फैला देना चाहिए दुनिया में। तो उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढना शुरू किया जो इस ज्ञान को प्रसारित करे। उसी में से एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था धन्वंतरी। तो ऋषि ने धन्वंतरी को सिखाया और धन्वंतरी ने इस ज्ञान को पूरे ऋषि जगत में बांट दिया। तो शास्त्र क्या कहते हैं, गोमूत्र धन्वंतरी। धन्वंतरी के पास जितना ज्ञान था चिकित्सा का, इतना ज्ञान गोमूत्र के पास होता है। इसीलिए गोमूत्र को धन्वंतरी कहा गया, साक्षात धन्वंतरी। अब दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जो धन्वंतरी ठीक नहीं कर सकते, अर्थात दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ठीक नहीं हो सकती। तो मुझे भी सुनकर के बड़ा पता लगा, ऐसा हो सकता है क्या कि गोमूत्र से सारी बीमारियों की चिकित्सा हो जाए। तो मैंने करके देखना शुरू किया। 16 साल पहले मैंने करके इसको देखना शुरू किया। आज 16 सालों में लगभग 40,000 मरीजों पर मैंने करके देखा है। और मेरे साथ जो समूह है जो इस काम में लगा हुआ है, हम सभी लोगों ने मिल करके 40,000 से ज्यादा लोगों की